दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में लोगों ने जो AIO लिक्विड कूलर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले लोग स्टॉक कूलर्स ले लिया करते थे, उससे काम चल जाता था, बट अब लोग एस्थेटिक्स के लिए भी, मतलब परफॉर्मेंस के लिए तो लेते ही हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए भी एक AIO लिक्विड कूलर में इन्वेस्ट करना आज की डेट में प्रेफर करते हैं। और ये चीज़ आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि AIO लिक्विड कूलर्स कुछ सस्ते तो आते नहीं हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही एक रहता है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा AIO है जो कि सबसे सस्ते प्राइस पर आता है और सबसे, मतलब मैं कहूँ कि अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आता है। तो ये जानने के लिए मैंने अमेज़ॉन पर काफ़ी देर तक सर्च किया, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर देखा कि सबसे सस्ता AIO इंडिया में आता कौन सा है 240 mm में। क्योंकि दोस्तों 240 mm जो है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी है इंडिया में, क्योंकि 120 mm ना इतना ज़्यादा बिकता है, ना मैं आपको अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप एक 120 mm के AIO में जो है उसमें इन्वेस्ट करें। इसके बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर 120 mm का ही AIO लेना है तो इससे बेटर एक एंट्री लेवल आप जो है एयर कूलर ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो और जो 360 है वहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको हाई एंड प्रोसेसर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि Ryzen 7, Ryzen 9 या फिर Intel का Core i7 i9, वो लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो जो मिड बजट पर रहते हैं, जो कि एक Ryzen 5 ले रहे हैं या Intel का Core i5 प्रोसेसर ले रहे हैं जो कि अनलॉक्ड वाला है, तो इस केस में कौन सा AIO ऐसा है जो सबसे अग्रेसिव प्राइसिंग के ऊपर आता है। सो आज के इस वीडियो के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। ये दोस्तों गेम डियास का Xiaomi M2 240R AIO लिक्विड कूलर। वैसे इस पर Xiaomi लिखा हुआ, मैं इसको काफ़ी टाइम से Xiaomi कर रहा था, बट फिर मैंने थोड़ा अपना गूगल बाबा पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि इसके जो प्रोनंसिएशन है दैट इज़ नॉट Xiaomi, इट्स प्रोनाउंस्ड एज Xiaomi। तो Xiaomi के बारे में आज जो है हम बात करेंगे गेम डियास के। इसकी प्राइसिंग की बात करें, दो वेरियंट्स में आता है। ये वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा महंगा आता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप इसके जो इफेक्ट्स हैं लाइटिंग के उसको एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इसके साथ में इसी बॉक्स में आता है। एक और कूलर आता है जो इससे सस्ता आता है, जिसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तकरीबन 4000 rupees से लेकर 4200 rupees के बीच में जो है 240 mm का आपको AIO लिक्विड कूलर मिलेगा। तो भले ही मेरे पास उसका थोड़ा सा महंगे वाला वेरिएंट हो, बट दोनों AIOs एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगा वही परफॉर्मेंस आपको उसमें मिलने वाला है। इसमें जो सिंपल डिफरेंस है दैट इज़ जस्ट एडिशनल रिमोट कंट्रोल जो आपको मिल जाता है। तो हमको आइडिया तो वही चाहिए ना कि परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, तो मैं अपने लिए यही अरेंज कर पाया। वो वाला मुझे उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा था काफ़ी टाइम से और आप लोग बार बार बोल ही जा रहे थे वीडियो बनाओ, तो मैंने मंगा लिया ये वाला। तो इसीलिए कंसीडर कर लेना इसको जस्ट एज अ परफॉर्मेंस के बेस पे। तो बात करेंगे इसी AIO के बारे में, जानेंगे क्या क्या फीचर्स के साथ में आता है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है और किन किन प्रोसेसर्स के साथ में आप इस AIO को कंसीडर कर सकते हैं यूज़ करना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। आज ही बाय करें अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी PC। विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ट मशीन्स में से, या फिर कस्टम बिल्ड्स के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ऑल दो मैं अपने चैनल पर मेजॉरिटी ऑफ AIOs को जो है टेस्ट कर चुका हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, बट ये हमारे हाथों से थोड़ा पिछड़ा रह गया था, आज फाइनली आ गया। तो देखते हैं कि जिस प्राइसिंग पर ये आता है उसके वर्थ इट है भी या नहीं है। तो पहले अनबॉक्स कर लेते हैं एज़ यूजुअल प्रथा को फॉलो करते हुए। किसी तरह की यहाँ पर आपको सील नहीं मिलती, नो सील्स एट ऑल, थैंक यू गेम डियास, वी आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। अंदर आपको मिलती है ये अंडे की ट्रे जैसा समथिंग स्टफ, तो शायद ये ट्रे अच्छी दी जा सकती थी कि थोड़ा मज़ेदार प्रीमियम सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता, बट दैट्स ऑल यू गेट द अंडे की ट्रे। और अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ब्रांड है, ओहो प्लास्टिक तो वैसे भी नहीं आता इसमें, तो गत्ता आता है। AIO जो असली आते हैं उनमें गत्ता आता है भाई, गत्ता, नो प्लास्टिक। पर गत्ता भी तो पेपर से बनता है, मतलब कि पेड़ काटना। वेरी गुड ब्रांड गेम डियास, आई लव यू। अच्छा ये रिसाइकल्ड पेपर से बनता है, हाँ ठीक है, मतलब कहना चाहते हो कि ओवरऑल अच्छा काम कर रहे हैं लोग। गुड जॉब। अच्छा टॉकिंग की क्या क्या मिलता है इस बॉक्स में, सबसे पहले यू गेट द माउंटिंग असेंबली, सभी सॉकेट्स के साथ में AIO जो है कंपैटिबल है। ये है माउंटिंग असेंबली जो मिलती है। इसके अलावा थोड़े से और स्क्रूज मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से आपको अलग माउंटिंग मिलती है। देन वी गेट ये बॉक्स जिसमें एक हब है,
इस हब में आप अपने फैंस कनेक्ट कर सकते हैं और हाँ फैंस कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें हमारे को रिमोट भी मिलता है तो इसको भी खोल लेते हैं, देख लेते हैं पहले ध्यान से क्या क्या है वरना आई विल मिस आउट समथिंग। सो दिस इज़ अ कंट्रोलर, मतलब इसमें जो फैन पोर्ट है जो नॉर्मल अपने 4 पिन या 3 पिन वाले आते हैं वो वाला नहीं है, थोड़ा अलग हिसाब है। सो अभी फैन को निकालूंगा तब चेक करते हैं कि फ़ैन में किस तरह का कनेक्टर दिया गया है। देन वी गेट द रिमोट जो मैंने आपको बताया था, इसमें आप रिमोट कंट्रोल से भी जो इफेक्ट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड देन वी गेट दिस 3M डबल टेप स्टफ़ जिससे आप इसको कहीं चिपका सकते हैं इसके कंट्रोलर को। तो ये सब हो गई इसकी जो असेंबली है, साथ में इसको रखते हैं साइड पर। इसके अलावा नाउ कमिंग टू द फैंस, दीज आर द फैंस, एक बार आपको दिखा देता हूँ निकाल कर। सो ये फैंस आपको मिल रहे हैं, ये गेम डियास के एओलस M2 120 IR फैंस हैं और देखने में अच्छे लग रहे हैं, हल्के फील नहीं हो रहे, मतलब क्वालिटी वाइज लुक्स फाइन। और ये ट्रायो रिंग फैन है, मतलब कि एक आपको यहाँ पर ARGB रिंग मिल रहा है, एक आपको पीछे ARGB रिंग मिल रहा है, प्लस जो इसका ये सेंटर पोर्शन है यहाँ पर भी आपको ARGB अलग से मिल रही है, मतलब 3 जगह से जो ARGB है वो आपको जोन्स मिल रहे हैं। अभी इनको चला कर देखेंगे किस तरह का इफेक्ट है और मतलब प्रॉपर डिफ्यूज जो लाइट है वो इवन लगती है या नहीं लगती। तो ये दो फैंस मिल रहे हैं। इन फैंस के स्पेक्स की बात कर लें दोस्तों, तो जो कंपनी की वेबसाइट पर मेंशन है उसके हिसाब से 1800 RPM पर मैक्सिमम ये जो फैंस स्पिन करते हैं और ये 69 CFM का मैक्सिमम एयर फ्लो जो है वो ऑफर करते हैं। कनेक्टर की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे कि आपको ट्रेडिशनल फैंस में दिखता है कि 2 कनेक्शंस दिए जाते हैं, एक आपकी लाइटिंग के लिए और एक आपके फैन को पावर अप करने के लिए जिससे कि वो स्पिन करे, ऐसा नहीं है यहाँ पर ट्रेडिशनल कनेक्टर्स का यूज़ नहीं है। ऑलराइट, सो इसी एक सिंगल केबल से जो है आपका फैन भी पावर अप होगा, प्लस इसी से जो आपके इफेक्ट्स हैं जो RGB है उसको भी पावर मिलेगी, वो भी ग्लो करेगा, विच इज़ अ डिसेंट थिंग। जितनी कम केबल्स हैं उतना आपको कम जो है मैनेज करना पड़ेगा अपनी केबल्स को, उतना नीट एंड क्लीन आपका बिल्ड लगेगा। प्लस अगर इसके एक हम नेगेटिव साइड का बात करें तो अगर ये कंट्रोलर फ्यूचर में खराब हो जाता है तो दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन कनेक्टर, ये जो कंट्रोलर है इतना ईजिली आपको मार्केट में इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से, जो इसका नेगेटिव साइड हो सकता है। तो ये आपको दो फैंस मिल रहे हैं, इनको रखते हैं साइड पर। नाउ कमिंग टू द मेन यूनिट इटसेल्फ जो कि है AIO। पहली बात, आई कैन फील द कॉस्ट कटिंग, मतलब सस्ता है वो मुझे समझ में आ रहा है, बट खासकर इसका जो पंप है, जो इसका ये CPU ब्लॉक है, इस पर मैं फील कर सकता हूँ कि कॉस्ट कटिंग करी गई है क्योंकि इसका वेट इज़ लाइक वेरी लो, प्लस यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया इसके साइड्स पर, इट इज़ कम्प्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन एंड येस इट डज़ फील्स चीप, काफ़ी चीप फील होता है इनफैक्ट। तो इसी CPU ब्लॉक की अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर काइंड ऑफ अ मिरर फिनिश टाइप का डिज़ाइन दिया गया है और इस पर ये गेम डियास का लोगो दिया गया जो कि ग्लो करता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये लोगो इतना ज़्यादा क्लासी टाइप फील नहीं होता जब ये ग्लो करता है, तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे क्योंकि ARGB है पूरा, जो कि अच्छी चीज़ है। इस बजट में आपको एक ARGB 240mm का AIO मिलना इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर लोगो भी दिया गया है, इसमें भी ARGB जो है वो ग्लो करती है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, टॉकिंग अबाउट द ट्यूब्स जो है इनकी लेंथ काफ़ी अप्रोप्रिएट है, तो मेरे हिसाब से हम इसको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर पाएंगे ढंग से, ऑड नहीं लगेगा। प्लस यहाँ पर आपको टेफ्लॉन कोटिंग मिल रही है, तो टेफ्लॉन कोटिंग जो है ये एक आजकल आपको मोस्टली हर AIO उसमें मिलती है, पहले वो करता था कि आपको प्लेन रबराइज ट्यूब्स जो थे वो मिला करते थे, आजकल टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो नॉर्मल हो गई है, आपको हर AIO में मिलती है। तो ये जो गाइस टेफ्लॉन कोटिंग है, ये थोड़ा सा जो है इसकी क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है, प्राइस के हिसाब से इट इज़ गुड। और ये ट्यूबिंग जो है दिस इज कम्प्लीटली लीक फ्री, पहले हम देखा करते थे जो पहले जनरेशन के AIO लिक्विड कूलर्स हुआ करते थे उनमें लीकेज के इश्यूज जो थे रहा करते थे, टाइम के साथ में डिवेलप हो जाया करते थे, बट लकीली आजकल जो नए AIO इधर वाला साथ वाला कोई बट लकीली आजकल जो नए जनरेशन के AIOs आए हैं उसमें ये लीकेज वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो चुकी हैं मोस्टली हर एक मॉडल में, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पंप को कनेक्ट करने के लिए अलग से वी गेट दिस 3-पिन कनेक्टर और पंप की ARGB को कनेक्ट करने के लिए वी गेट दिस केबल जो कि आपके कंट्रोलर में ही लगेगी और सबको आप सिंक कर सकते हैं एक साथ में। इसके सरफेस के नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको ये कॉपर का कोल्ड प्लेट दिया गया है एंड साइज़ की बात करें साइज इज मच मोर देन इनफ, अच्छा खासा आपको जो सरफेस एरिया है कोल्ड प्लेट का वो दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जो कि इसका रेडिएटर की बात करें, क्वालिटी इज मीडियोकर, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक है प्राइस के हिसाब से चलेगा। तो वही एल्यूमिनियम का कंस्ट्रक्शन है अलॉन्ग विद दिस ब्लैक पाउडर कोटिंग, ठीक है, लुक्स एंड फील्स नाइस। ऑलराइट, सो इसके अलावा गाइस ये केबल और मिलती है, इस केबल का काम आपको पता ही है क्या होता है, इस केबल का काम है कि आप इसको अपने कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे और इसका एक एंड जो है ये आपके मदरबोर्ड के ARGB हेडर में जाएगा, जो 5V ARGB हेडर होता है उसमें जाएगा, एंड देन आप अपने मदरबोर्ड स्पेसिफिक यूटिलिटी को यूज़ करते हो, आपका MSI का बोर्ड है या आपका ASRock का बोर्ड है या ASUS का बोर्ड है,
ब्रांड स्पेसिफिक यूटिलिटी को यूज़ करते हुए आप उसके इफेक्ट्स को अपने मदरबोर्ड से कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगर जो है सॉफ्टवेयर लेवल पर कर सकते हैं। अब इसको साइड पर रखकर एक बार दोबारा से मैं आपको वही डिफरेंस जो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाला जो वेरिएंट है ये एक रिमोट कंट्रोल के साथ में आता है। तो मतलब आप में से कुछ अगर शौकीन लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमें इसको अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट ना करना पड़े, अपना हाथ जगन्नाथ रहे और अपने हाथ से ही यूज़ करते हुए रिमोट से आप इसके इफेक्ट्स को ऐसे ऐसे क्लिक करके जो है चेंज कर पाएँ, तो आपके लिए ये वाला वेरिएंट काम का रह सकता है। वरना अगर मेरी मानो थोड़े पैसे बचाओ और इसका जो नॉर्मल वेरिएंट है जो कि आपके मदरबोर्ड से सिंक हो जाता है आप उसके साथ भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा। सो गाइस कंपनी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से ये जो AIO है ये 230 वॉट तक की TDP वाले प्रोसेसर्स को भी कूल कर सकता है, उनके थर्मल्स को मेंटेन कर सकता है। बट अब हमको टेस्ट करना है कि किन प्रोसेसर्स के साथ में ये AIO जो है ये वर्दी रह सकता है, वर्दिट रह सकता है और उनको कंट्रोल कर सकता है उनके थर्मल्स को। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका कोर i5 11600K प्रोसेसर जो कि इंटेल के 11th जनरेशन रॉकेट लेक बेस्ड CPU है। इसी प्रोसेसर का हम लोग यूज़ करेंगे, इसको स्टॉक पर टेस्ट करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड ओवरक्लॉक करके भी टेस्ट करेंगे कि दोनों सिनेरियोज में क्या क्या थर्मल्स जो हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जल्दी से मैं आपको जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं जो कि ऑब्वियसली बेटर हैं स्टॉक कूलर से, और ऑब्वियसली AIO लिक्विड कूलर आप यूज़ कर रहे हैं 240mm का, तो स्टॉक कूलर से तो बेटर ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नो डाउट। मोरओवर जो थर्मल्स थे वो दोनों ही मोड्स में स्टॉक पर भी और ओवरक्लॉक होने के बाद भी कंट्रोल में थे, अंडर कंट्रोल थे, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं करे, विच इज़ गुड। मतलब कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इस कूलर को कंसिडर किया जा सकता है, बट किन केसेस में उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो आई वोंट रेकमेंड यू दिस AIO अगर आप Ryzen 5 या Intel Core i5 से ऊपर जाने वाले हैं। मतलब अगर आप Ryzen 7 लगाते हैं, आप Ryzen 9 लगाते हैं या आप Intel का Core i7 या i9 लगाते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, क्योंकि उस लेवल के जो थर्मल परफॉर्मेंस है, उस लेवल की जो कूलिंग है वो आपको इसमें नहीं मिलने वाली। ये उन प्रोसेसर्स के लिए सुटेबल रह सकता है जहाँ पर आपका Ryzen 5 हो, जैसे कि Ryzen 5 5600X हो गया या आपका Intel का Core i5 हो गया, कोई भी इस जनरेशन का या इससे पिछली जनरेशन का अगर आप लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिल्ड के एस्थेटिक्स में भी कमी ना आए, एस्थेटिक्स भी अच्छे लगे, प्लस जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो आपके स्टॉक से बेटर आए, उस केस में इसको कंसिडर किया जा सकता है। 4000 से लेकर 4200 के प्राइस पॉइंट पर दिस इज नॉट अ बैड डील एट ऑल, बहुत ही अच्छा AIO है प्राइस के हिसाब से, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस वाली बात आ गई उस हिसाब से अच्छा है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर प्योर क्वालिटी, आपको चाहिए कि हाँ मेरा जो AIO है उसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग हो, लुक्स में भी बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा आपको मिलेगा। तो जितने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा और प्रीमियम AIO आपको मिलेगा। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव उन महंगे AIO के बदले, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगा। कुछ छोटी बहुत चीज़ें जो मुझे कमियाँ लगी इस AIO में उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें से पहली है कि जो इसका ब्लॉक है CPU का, उसका कंस्ट्रक्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा चीप ज़रूर लगता है। और ये आप भी जब इसको अपने हाथों में पकड़ेंगे यू विल फील कि प्लास्टिक का जो यूज़ किया गया हुआ है दैट इज़ रियली चीप। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि इसका जो मिरर डिज़ाइन है जो कि आपके ब्लॉक के ऊपर आपको दिया जाता है, उस पर आपको गेम डियास का लोगो दिया जाता है जो कि ARGB में ग्लो करता है। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पर ARGB वाला AIO ढूंढना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैंने पहले भी बोला था, यहाँ आपको दी जा रही है फैंस की डिफ्यूजन क्वालिटी और ARGB की जो डिफ्यूजन क्वालिटी है दैट इज़ डिसेंट, बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट्स आपको नहीं मिलते। बट स्टिल मुझे लगता है कि वो जो लोगो वाला डिज़ाइन है जो आपको दिखता है AIO के ऊपर वो हर किसी को नहीं जम सकता, मुझे नहीं उतना अच्छा लगता, उतना एलिगेंट नहीं लगता, हो सकता है आपको लगता भी हो, बट काफ़ी लोगों के लिए वो भी एक सेटबैक रह सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो को इसी पॉइंट पर एंड करेंगे कि इस प्राइस पॉइंट पर दिस इज़ अ रियली गुड डील इफ़ यू आर गोइंग विद अ Ryzen 5 और द Intel i5 सेक्शन, उसके साथ में सेगमेंट के साथ में आप इसको चूज कर सकते हैं, आपको कोई निराशा नहीं होगी। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप अपने बिल्ड में कौन सा AIO लिक्विड कूलर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और आपने कितने का खरीदा था, और आपको ये वाला जो AIO है आप इसको इस प्राइस के ऊपर एक अच्छी डील कंसिडर करते हैं या नहीं करते। साथ ही में अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अफिलिएट लिंक मिलेगा जहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं, उससे चैनल को आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा करें शेयर, साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाए बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।